बोलिए मम्मी पापा। जय माता दी, जय माता दी। गुरु गुरु इसे गुस्सा दिलाओ, गुस्सा करो इस पर। यह हमारी एक बहुत प्यारी सी कन्या आ चुकी है, तो हाथ दे रही है। उसने पहले हाथ छोड़ के पहले बालों में टीका लगा। बाय बाय। यह हमारी मम्मी जी ने पैकिंग स्टार्ट कर दी है। मम्मी कहाँ जा रहे हो आप? अरे सामने से होके बताइए। कब, किस टाइम? 6 बजे शाम। आज शाम को ही निकल रहे हो आप? हाँ। अभी तो आप सुबह की जाने की कह रहे थे। चलो मम्मी जी की इच्छा पूरी हो रही है। काफी टाइम से बन रहा था मम्मी जी का प्लान। कई महीने हो गए। और मेरा जो वैष्णो देवी का ब्लॉग है वो मम्मी जी बना के लाने वाली हैं आपके। हाँ। पक्की बात है? पक्की बात है। ठीक है, मैंने मम्मी को सब सिखा दिया, अब देखते हैं मम्मी जी का ब्लॉग। यह हमारे पापा जी हो चुके हैं तैयार वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। और कैसा लग रहा है पापा जी? बढ़िया लग रहा। तो इस बार पापा और मम्मी ही मेरे ब्लॉग्स बना के लाने वाले हैं। मैंने पापा जी को सब समझा दिया है। बोलिए मम्मी पापा। जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलिए। जय माता दी। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा जी। अब तू भूरा आ जा। मैं भूरा तो चलो भूरा दोस्ती करो। भूरा दोस्ती नहीं, अब बता तू कैसे। ओए भूरा को मत महंगी चप्पल फाड़ देगा भूरा तेरे को भी। भूरू गुरु से इसे गुस्सा दिलाओ, गुस्सा करो इस पर। यार आपसे भी नहीं कर रहे हो, इस पर गुस्सा करो यार। उसे ज्यादा गुस्सा आ गया तो काट लेगा। तो मैं बीच में इस रुकावट के लिए खेद चाहती हूँ। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ। जैसा कि मम्मी पापा ने कहा था वो ब्लॉग बनाकर लेकर आएंगे, तो वो बना नहीं पाए। उन्हें बनानी नहीं आई ठीक से, क्योंकि अचानक से उनका जाने का प्लान बन गया वैष्णो देवी। अगर एक दो दिन बाद जाते तो शायद मैं उन्हें अच्छे से दो दिन अच्छे से सिखा पाती, पर एकदम जाने का बना तो ठीक से वो चीज़ सीख नहीं पाए। कोई बात नहीं, आगे वो कहीं भी जाएंगे वहाँ की वीडियो वो ज़रूर बना के लेकर आएंगे, कह रहे थे पापा जी। तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आगे की वीडियो का मज़ा। हेलो हेलो हेलो। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार। आज है घर में कन्या पूजन, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मम्मी पापा जी गए थे वैष्णो देवी। तो वहाँ से आने के बाद हम कन्या पूजन कर रहे हैं, फिर उसके बाद ही वो वहाँ के दर्शन माने जाते हैं ऐसा कहना है। तो इस वजह से आज हमने घर में रखी है कन्या पूजन। तो भोग हो चुका है तैयार ऑलमोस्ट, और बहुत ही टेस्टी टेस्टी भोग बनाया आज का। क्या क्या बनाया? सूजी का हलवा, और इधर पूड़ी, इधर सब्जी आलू की, और रायता बनेगा अभी, चने भी हैं। तो आज बहुत ही टेस्टी भोजन बनाया। ये चीज़ सिर्फ हम खाएंगे, क्योंकि पूड़ी कचौड़ी तो और दीदी तो रोटी खाएंगी बेचारी। पूछे क्यों क्यों क्यों, बताइए क्यों क्यों क्यों। हाँ जी, डॉक्टर ने मना किया है, तला हुआ सब चीज़ मना कर दिया है इनकी। बंद है, जंक फूड भी बंद है। हाँ, तो वो स्टीम वाला खा सकती हैं, आप समझ ही गए होंगे। चलो तो बस हम करते हैं तैयारी, कन्या आने वाली हैं, उनके लिए भूख तैयार करना है। बाय। एक बार आप हेलो बोल दो, ऐसे कर दो हाय। यह हमारी एक बहुत प्यारी सी कन्या आ चुकी है, पहली कन्या। और कब तक आएंगी? अभी आ रही है। आ रही है, चलो बैठो। तो हमारे कन्या लांगुर आ चुके हैं, पीछे से रोशनी आ रही है। मम्मी जी यहाँ के बच्चे बड़े शांत शांत है, और इतने छोटे छोटे बच्चे तो हुड़दंग मचाते हैं। तुम लोग इतनी सीधे हो या फिर यही हो? इतने ही सीधे हो? अच्छा ठीक है, फिर ठीक है।
हाँ लांग लांग, ये तो कन्या है। ये वहीं से लाए होगा आपका लावा? ना पीछे पीछे शरमा रही है लड़की। वो पीछे ही पीछे बैठी बैठी शरमा रही है। तुम सबकी वीडियो आएगी? फोन चलाते हो? वो अपने मुंह छुपाए जा रही है। ये तो सबसे छोटा लांगुर है। ये तो बेचारा बोल ही ना रहा है। कन्या? अच्छा हाँ, लांगुर लग रहा है। मम्मी जी अब लास्ट में सबका टीका कर रही हैं, कलावा बांध रही हैं। एकदम से खुद ही ऊपर करा। वो तो हाथ दे रही है, उसने पहले हाथ छोड़ के पहले बालों में टीका लगा। प्रसाद मम्मी अभी जयकारा लगवाओ। हाँ बोलो साचे दरबार की। जय माता दी। जय माता दी। बाय बाय बाय। ऐसे नहीं लड़ते। बाय। दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और ये देखिए कितना अंधेरा है, कैसा इतना सुंदर सुहाना मौसम हो रहा है। बारिश में नहाने का मन कर रहा है, बाय द वे ठंड लग जाएगी, छोड़ो। ठंडी ठंडी हल्की हल्की फुहार आ रही है मुंह पे, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। बारिश के मौसम में हम सब ले रहे हैं चाय पकौड़ों का मजा। पापा जी कैसा लग रहा है आपको? टेस्टी। मम्मी जी आप भी टेस्ट करके बताओ। सही है।